वार्ता आपकी, आपका नजरिया, आपकी आवाज। अयोध्या में 21 जून 2021 में विश्व योग दिवस के अवसर पर आयोजित दिव्य योग साधना कुंभ में आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र के कठौली ग्राम निवासी श्रवण कुमार यादव पुत्र उमाकांत यादव ने एक हस्त मयूर आसन में विश्व रिकॉर्ड बनाने का दावा कर पूरे क्षेत्र का सम्मान बढ़ाया है। श्रवण कुमार यादव के अनुसार उसने 2018 में सिद्धार्थ नगर में आयोजित योग के कार्यक्रम में सुप्त गर्भासन जो लगातार 2 घंटे 22 मिनट तक करके विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था और इनका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अंकित किया गया था। श्रवण कुमार ने 2008 में पहली बार जूनियर हाई स्कूल भगवानपुर अतरौलिया में कक्षा 8 से ही योग करना प्रारंभ किया, परंतु 2013 में लगन पूर्वक घर पर ही योग करते रहे। फेसबुक की ही महिला मित्र योग गुरु याक फ्लोरेंस, जो कि यूरोप की रहने वाली थी, उससे प्रेरित होकर पूरे लगन से योग करना शुरू किया। इनकी मेहनत ने इनको 2015 में योग गुरु के रूप में स्थापित कर दिया और यह तभी से देश के विभिन्न हिस्सों में योग सिखाने के लिए बुलावा आने पर जाने लगे। श्रवण कुमार योग के साथ साथ इलाहाबाद में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करते हैं। इस समय कोरोना काल में घर पर ही ऑनलाइन योगा क्लास का संचालन करते हैं, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के साथ ही विदेशों से भी लोग जुड़कर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। श्रवण कुमार अपनी लगन और कर्मठता के बल पर लगातार नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ग्रामीण परिवेश में रहने वाले श्रवण कुमार के पिता एक किसान तो माता गृहिणी हैं। इनके बड़े भाई रोडवेज विभाग में कार्यरत हैं। इनकी दो बहनें भी हैं। इनकी रिकॉर्ड स्थापित करने की सूचना पाकर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। वहीं पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल व्याप्त है। श्रवण कुमार यादव ने अपनी सफलता का सारा श्रेय अपने माता पिता को दिया। उन्होंने बताया कि माता पिता के प्यार और स्नेह की बदौलत ही मुझे यह सम्मान प्राप्त हुआ। और आपने गोल्डन बुक रिकॉर्ड में आपने अपना नाम दर्ज किया, किस योग में आपने किया है और कितने का रिकॉर्ड है इसके बारे में? जी, मेरा नाम श्रवण कुमार यादव है और मैंने 2018 में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया और आसन का नाम था सुप्त गर्भासन, जिसमें कि दोनों पैरों को सिर के पीछे रखा जाता है और उसमें होल्ड किया था 2 घंटे और 22 मिनट तक। तो वह है 2018 में बना और अभी रिसेंटली में 2021 में तो योग दिवस के अवसर पे बना है वो 7 मिनट का एक हस्त मयूरासन का रिकॉर्ड बना है, जिसमें एक हस्त पे पूरे शरीर को लेकर के बैलेंस किया जाता है। कहाँ पे ये हुआ था योगासन यहाँ पे आपको? पिछली बार सिद्धार्थ नगर में आयोजन हुआ था 2018 में, जब मेरा पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, और इस बार का आयोजन अयोध्या में हुआ था। आपको ये योग करने का कहाँ से मिला, आपने कहाँ से सीखना स्टार्ट किया? जी, बचपन में जब मैं 2008 में 8वीं क्लास में था, उसी समय मेरे टीचर भी थे और उन्होंने पहली बार योग को वहाँ पर प्रेजेंट किया, तो मुझे लगा कि कैसे कोई अपने सिर के बल खड़े हो सकता है। तो शीर्षासन करके उन्होंने दिखाया तो मेरे मन में आया कि हम भी करेंगे इसको। तो पहले तो मैंने इसको एज ए मतलब एक खेल के तौर पे देखा था, लेकिन बाद में जब करने लगे तो समझ में आया कि योग एक खेल नहीं है, योग एक विधा है और एक विद्या है। आपने अपना इतना वर्ल्ड रिकॉर्ड में योग में नाम अपना दर्ज कराया है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय अपने माता पिता को देना चाहते हैं, जो घर में एक मतलब लकीर से हट के जो काम हमने करना चाहा उसके प्रति हमेशा प्रेरित किया और कभी इसमें कोई बाधा नहीं बने ना कोई रुकावट ही किया उन्होंने, और हमेशा प्रमोट करते रहे।